गाजियाबाद में दिन दहाड़े एक महिला से बंदूक के बल पर लूटपाट की गई। वो महिला घर के बाहर बैठी हुई थी कि तभी एक शख्स बंदूक लेकर उसके पास आता है और उसे डरा धमका कर उसके जेवर और मोबाइल लूट लेता है। इस घटना का वीडियो सोसाइटी के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। ये वारदात लोनी के गोकुल धाम सोसाइटी में हुई है। इसके बाद पुलिस की व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक चैन स्नैचिंग और मोबाइल लूट की सीसीटीवी फुटेज काफी तेजी से वायरल हो रही थी। इस फुटेज के आधार पर थाना लोनी के डीएलए जो घटना घटित हुई है, महिला से अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और घटना के शीघ्र अनावरण के लिए एसएचओ धोनी के नेतृत्व में टीम का गठन कर दिया गया है। इसकी सर्विलांस की मदद ली जा रही है। आस पास से सीसीटीवी और पहचान की जा रही है। घटना का शीघ्र ही अनावरण किया गया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बदमाश उस महिला के हाथ से उसका फोन छीन रहे हैं। यही नहीं, वहां पर मौजूद एक बच्चे के हाथ से भी मोबाइल छीनता हुआ देखा जा रहा है। अपनी पहचान छिपाने के लिए बदमाश ने नकाब भी पहन रखा है। फिलहाल अब तक लूट करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। इस घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बताया कि बाइक पर दो लुटेरे सवार होकर आए थे। इस घटना के बाद से महिला और उसका सारा परिवार काफी सहमा हुआ है। आपको बता दें, इससे पहले गाजियाबाद के ही सिहानी गेट थाना क्षेत्र की एक घटना में हथियार बंद बदमाशों ने मां और बेटी को बंधक बनाकर दिन दहाड़े लूटपाट की थी। उनके घर में रखे 17 लाख के जेवर और 7 लाख रुपए कैश के अलावा मोबाइल भी लूट लिए थे। घटना के बाद बदमाश बाहर से दरवाजा बंद करके भाग गए थे।